नमस्कार आप देख रहे हैं द बिहार टॉप मैं हूँ आदेशपुरी उत्तर बिहार में खासकर बिहार यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश में युवा जो हैं उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है नौकरी प्राप्त करना और वो भी सरकारी आपको बता दें कि बिहार में आप देखते हैं कि कैसे कैसे जद्दोजहद किए जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए और भ्रष्टाचार भी खूब होता है लेकिन कुछ सालों में एक सबसे बड़ा समस्या निकल के आया है जिससे आयोग भी परेशान हैं छात्र भी परेशान हैं और ये है पेपर लीक दैनिक भास्कर पेपर में आज फ्रंट पेज में इससे संबंधित एक उनका आलेख छपा हुआ है रिसर्च स्टोरी छपा हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उत्तर भारत के जो प्रमुख चार पांच राज्य हैं खासकर हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ पर पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है आपको बता दें कि पिछले पाँच सालों में चार राज्य में अट्ठारह महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं जिनको सरकार ने आयोग ने स्वीकारा है कि हाँ ये पेपर एग्जामिनेशन से पहले या एग्जामिनेशन के दौरान लीक कर गया इसके अलावा अनगिनत ऐसी परीक्षाएँ हैं जिनमें पेपर लीक हुआ है लेकिन सरकार उसे नहीं मानी है आपको हम बताते हैं जो दैनिक भास्कर के आज जो स्टोरी में दिया हुआ है पेपर लीक से संबंधित खबर और सबसे बड़ी बात बता दें कि सवा करोड़ कैंडिडेट इसकी चपेट में आए हैं इसके चलते वो परेशान हुए हैं पूरा रिपोर्ट आपको हम बताते हैं जो इसमें दिया हुआ है इसमें फ्रंट में इसका जो हेडलाइंस है वो दिया है पेपर लीक्स चार राज्यों में पाँच साल में अट्ठारह पेपर लीक सवा करोड़ युवा संकट में 2017 से 22 के बीच मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार का हाल 2017 में बी की परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था लीक इसमें दिया हुआ है कि एक अदद सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में देश के करोड़ों युवा कई कई साल जी तोड़ मेहनत करते हैं और इस तपस्या के बदले उन्हें मिलता है पेपर लीक का दंश देश में शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां कभी कोई पेपर न लीक किया हो सिर्फ चार राज्यों के ही आंकड़े को देख ले तो तस्वीर डराने वाली है राजस्थान यूपी बिहार और मध्य प्रदेश में पाँच साल के अंदर में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अट्ठारह पेपर लीक हो चुके हैं इनमें करीब सवा करोड़ अभ्यर्थियों का दाव भविष्य पर लग चुका है और ताज्जुब की बात यह है कि इन मामलों में 400 से ज़्यादा गिरफ्तारियां तो जरूर हुई मगर इनमें करीब 90 प्रतिशत जमानत पर बाहर चल रहे हैं कई पेपर लीक सरगना अब भी फरार हैं पुलिस की पकड़ में वो नहीं है इसमें दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश बिहार समेत चार राज्यों में दस लाख पद खाली हैं एक तरफ करोड़ों युवा पेपर लीक के दंश से नौकरी के लिए तरस रहे हैं वही यूपी बिहार मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही दस लाख के करीब सरकारी पद खाली पड़े हैं इनमें भी बिहार में सर्वाधिक साढ़े तीन लाख यूपी में सवा तीन लाख राजस्थान में पौने दो लाख और मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख पद खाली हैं राजस्थान में तो बेरोज़गारी की दर अट्ठाईस प्रतिशत से ऊपर चली गई है इसमें आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा आठ पेपर लीक हुआ है 2017 से 22 के बीच में यानी कि पाँच साल के दौरान राजस्थान में सबसे ज़्यादा आठ पेपर लीक हुए वही अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो पेपर लीक से यूपी में सर्वाधिक इक्यावन लाख अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ा है इसमें दिया हुआ है कि राजस्थान में पिछले पाँच सालों में एक परीक्षाएं हुई जिनमें आठ में पेपर लीक हुआ छत्तीस लाख ,00 अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए यूपी में छः परीक्षाएं हुई जिसमें से पाँच पेपर लीक हुआ और इक्यावन लाख कैंडिडेट इससे प्रभावित हुए बिहार में तिरपन प्लस परीक्षाएं हुई जिनमें तीन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ पंद्रह ,00 लाख कैंडिडेट इससे प्रभावित हुए मध्य प्रदेश में अट्ठाईस परीक्षाएँ हुई दो में पेपर लीक हुआ और बीस लाख कैंडिडेट इससे प्रभावित हुए और ये भी दिया हुआ है कि सिर्फ उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनमें पेपर लीक हुआ है ये है कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें पेपर जिनके बारे में पेपर लीक का दावा किया गया मगर सरकार ने नहीं माना वे भी इसमें वे इसमें शामिल नहीं हैं आपको बता दें कि 18 जो भर्ती परीक्षाएं हुई जिसका पेपर लीक हुआ उसमें यूपी के दरोगा भर्ती यूपी टी टी ट्यूबवेल का, का परीक्षा जो हुआ ट्यूबवेल ऑपरेटर दो में उसमें हुआ यू में अट्ठा में दो में और सब की परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ आपको बता दें कि बिहार में जो दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2017 में इसका परीक्षा का जो है परीक्षा का जो पेपर जो है वो आउट हुआ 2022 में हम बता दें आपको कि प्रथम पाली का परीक्षा आउट हुआ बी पी का प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर जो है एग्जामिनेशन से पहले पिछले साल 2022 में ही आउट हो गया तो ये पेपर लीक को लेकर जो है दैनिक भास्कर का एक महत्वपूर्ण स्टोरी जो है वो दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो उत्तर भारत के प्रमुख बड़े राज्य हैं जहां पर युवाओं की पहली प्राथमिकता होती है सरकारी नौकरी प्राप्त करना जिसके लिए वो जितोड़ मेहनत करते हैं संसाधन भी इतना लगाते हैं जितनी उनकी क्षमता नहीं होती है जमीन बेच कर कर्ज़ लेकर पार्ट टाइम जॉब करके वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि एग्जामिनेशन से पहले ही पेपर लीक हो जाता है कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहाँ के जो कर्मचारी चयन आयोग जो है उसको भंग कर दिया और भंग करने का सबसे बड़ा कारण ये बताया गया कि एग्जामिनेशन से पहले परीक्षा लीक कर जाता है युवाओं के साथ ये खिलवाड़ है वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार जो है और ख़ासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी होना ये योग्यता का अपमान है योग्यता का सम्मान नहीं होता है पारदर्शी ढंग से परीक्षा होना ही योग्यता का पर... का सम्मान है तो पेपर लीक जो है बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब भी परीक्षाओं में गड़बड़ी की सूचनाएं मिलती हैं तो तत्काल ही कार्रवाई की जाती है उसके बाद सारे मामले ठंडे बस्ते में पड़ चल जाते हैं अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में सिपाही भर्ती में बड़े पैमाने पर स्कॉलर को बैठाकर पीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों को द्वारा पीटी परीक्षा पास किया गया एक टीम बना हुआ है बिहार में एक गिरोह है जो कि ये सब काम करता है लेकिन जब छात्र गिरफ्तार हुए तो उनसे ये कभी नहीं पता लगाया गया कि आपके जो स्कॉलर गैंग के कौन सरगना है कौन कौन मेंबर है इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है बिहार के साथ कि देश में कहीं भी पेपर लीक होता है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी होता है तो उसके तार बिहार से ज़रूर जुड़े हुए मिलते हैं आप देख लें नीट की परीक्षा देख लें आप आईआईटी की परीक्षा देख लें आप जो है गुजरात में होने वाले परीक्षा को देख लें राजस्थान में होने वाले परीक्षा को देख लें हिमाचल प्रदेश में मध्य प्रदेश में हरियाणा में दिल्ली में कहीं भी कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके तार या तो बिहार से जुड़े होते हैं या फिर सरगना ही बिहार का रहता है या बिहार का पूरा टीम ये गड़बड़ किए रहता है बिहार खुद भी पेपर लीक से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं यहाँ के आयोग परेशान है सरकार परेशान है लेकिन इस पर कभी भी एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं छेड़ा जाता है इसको लेकर कभी भी एक ऑपरेशन नहीं शुरू किया जाता है इस बीमारी से लड़ने के लिए और जो गड़बड़ी करने वाले हैं जो जालसाज हैं फर्जीवाड़ा करने वाले हैं दो तीन महीने जेल में रहते हैं जमानत हो जाता है और फिर से वही वो काम शुरू कर देते हैं या फिर जितना पैसा वो कमाते हैं उसको देखा देखी करते हुए दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो जरूरत है कि इस पर एक ऑपरेशन लॉन्च करने का जिसमें एक खास साइबर टीम हो योग्य अधिकारी हो हमेशा से मैं ये बात कहता हूँ जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तब से मैं गुहार लगा रहा हूँ राज्य सरकार को केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य को जहाँ पर यह गड़बड़ी होता है कि आप एक ऑपरेशन लॉन्च कीजिए और इस पूरे नेक्सस को निस्तानाबूद कर दीजिए खत्म कर दीजिए ताकि युवाओं के साथ किसी भी तरह का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके उनकी मेहनत पर पानी ना फिर सके बिहार में ही आपको बता दें कि सिपाही की परीक्षा में आ, छात्र जो हैं एग्जामिनेशन सेंटर से पहले मोबाइल पर लगे रहते हैं कि क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा और कई छात्र कहते भी हैं कि सच में क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर आ जाता है और उससे जो है वो उसी के इंतजार में कितने छात्रों का परीक्षा छूट जाता है तो आजकल हर एक परीक्षा यूपीएससी छोड़ दे और अब बीपीएससी को छोड़ दें तो उस पर छात्रों का विश्वास नहीं रहता है छात्र हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि कही कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है और एक बहुत बड़ा सेटरो का गैंग जो है वो पटना की सड़कों पर घूमते रहता है छात्रों को अपने जाल में फंसाते रहता है कामयाब तो कुछ होते हैं लेकिन हजारों छात्र उनके दिए गए झांसे में पढ़ के अपना पैसा अपना अटैम्प्ट सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और सरकार को चाहिए कि इससे मजबूती से निपटे एस आई टी या गठन करे और इसमें अपने जितने भी योग्य एजेंसी हैं योग्य अफसर हैं योग्य तकनीकी है उसको झोंक दे ताकि युवाओं के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो सके और योग्य लोग ही सरकारी सेवा में जाएं क्योंकि जब तक योग्य सरकारी सेवा में नहीं जाएंगे तब तक राज्य का विकास नहीं हो सकता है और राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास के बारे में सोचना बेमानी होगा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और दैनिक भास्कर के इस आलेख के लिए बहुत बहुत हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फ्रंट लाइन में हेड लाइन में इस समस्या को लेकर आज अपना आर्टिकल छापा है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद